आरक्षण के वर्गीकरण वाले रण में अब एक के बाद एक सियासी दल भी कूदते दिखाई दे रहे हैं। किसी दल के लिए ये दांव है तो किसी के लिए ये बड़ा तनाव है। और इसी दंगल में बीजेपी ने हरियाणा में नई सरकार के बनते ही आरक्षण में उप वर्गीकरण के प्लान का ऐलान कर दिया। इधर विपक्षी खेमे से कांग्रेस ने भी अपने कदम बढ़ाते हुए तेलंगाना और कर्नाटक में आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लिया है। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने विरोध जताते हुए इसे दलित संविधान विरोधी बताया है। हरियाणा की भाजपा सरकार के बाद अब तेलंगाना और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा भी दलितों को बांटने के लिए उनके आरक्षण के भीतर आरक्षण की नई व्यवस्था को आपाधापी में लागू करने का फैसला वास्तव में आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने के इनके जारी षड्यंत्र का नया प्रयास है। मायावती ने बीजेपी कांग्रेस पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताते हुए साथ में सपा को भी लपेट लिया। देश के करोड़ों शोषित और उपेक्षित दलितों के आरक्षण विरोधी और उनकी आपसी एकता की दुश्मन जातिवादी पार्टियों द्वारा आरक्षण में कोटे के बंटवारे के प्रति सक्रियता से ये साबित है कि भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और उनसे समाज और संविधान को खतरा घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। मायावती के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कह दिया, हम तो हर वर्ग के वंचित तबके को आरक्षण के आगोश में लाना चाहते हैं, लेकिन मायावती की नीयत में खोट है। लोकसभा चुनाव के रण में सपा कांग्रेस जहां बीजेपी पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के आरोप लगाते थे, वही कांग्रेस अब बीजेपी की तर्ज पर आरक्षण में वर्गीकरण पर आगे बढ़ रही है, तो मायावती ने मोर्चा संभाल लिया। यूपी में उपचुनाव है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी बसपा के प्रहार से बचना होगा, क्योंकि दलित वोटों के दंगल में मायावती का ये बयान बड़े नुकसान का सबब भी बन सकता है। बहरहाल यूपी में उपचुनाव के बीच मायावती ने आरक्षण के मुद्दे को उछाल कर बीजेपी सपा कांग्रेस के लिए नया टास्क दे दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि आरक्षण में वर्गीकरण का जो है दांव, उससे किसे ज्यादा है तनाव? मायावती के बीजेपी कांग्रेस पर इस हमले के मायने क्या हैं?